वेलकम बैक टू नो वीडियो। और अभी हम बात करने वाले इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बूस्ट करते समय आप फंड ऐड कर देते हो, पैसे ऐड कर देते हो, पैसे आपके कट भी जाते हैं लेकिन आपकी रील्स वीडियो बूस्ट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आप जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कब से बंदे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फंड मैंने ऑलरेडी अमाउंट मतलब ऐड कर दिया है लेकिन जैसे हम बूस्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से अमाउंट पे करने के लिए बोलता है एंड हमारी रील्स वीडियो बूस्ट नहीं हो पा रही है। एंड भाई ऐसे में काफी बंदे हैं, मतलब एक बंदा नहीं भाई, काफी सारे बंदे हैं जिनके साथ मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भाई, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आप जैसे मतलब रील्स वीडियो को बूस्ट करने के जाते हो, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देते हो लेकिन फिर भी आपकी रील्स वीडियो बूस्ट नहीं हो रही है, आपने एक्स्ट्रा पैसे भी यहां पर इंस्टाग्राम को पे कर दिए फिर भी आपकी रील्स वीडियो बूस्ट नहीं हो रही है, जैसे आप बूस्ट पे क्लिक करते हो दोबारा से आपको पेमेंट ऐड करने के लिए बोलता है। तो गाइस इसका सलूशन क्या है एंड कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाके अपने रील्स वीडियो को बूस्ट कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। और हां गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताया हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो भाई जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैं देखिए जैसे यहाँ पर रील्स सेक्शन में आता हूँ, कोई भी रील्स वीडियो यहाँ पर मैं प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने प्ले कर लिया है। अब यहाँ पर हम जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, बूस्ट रील पे क्लिक करेंगे, बूस्ट रील पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अभी लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए मोर प्रोफाइल विजिट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पर सेट रहने देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको अमाउंट यानी कि बजट आपको सेट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन पे क्लिक करके यानी कि एक दिन के लिए हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। पेमेंट मेथड में आप देखोगे यहाँ पर 200 रुपए ऑलरेडी एड है। ठीक है, एंड यहाँ पर एड फंड का भी ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ देखेंगे टोटल स्पेंड यानी कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है 197 रुपए। एंड यहाँ पर हमारे मतलब जो हमारा अकाउंट में कितने पैसे ऐड है यहाँ पर 200 रुपए, यानी कि फिर भी 3 रुपए बची जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ एंड मैं आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम का समाधान भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको इसको सोल्व कैसे करना है। आप यहाँ पर देखिए दोबारा से अमाउंट ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको सबसे पहले इसको बैक कर दे रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है भाई, आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको instagram.com सर्च करना है। जैसे आप instagram.com सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउजर के अंदर अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लॉग इन कर लेना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, फिर आपको पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर मैंने भी लॉग इन कर रखा है। ठीक है, जैसे आप लॉग इन कर लोगे उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको करना है भाई, आपको सिंपली इस वाले एरो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे ले आना है। जैसे आप इसको डेस्कटॉप साइट पे ले आओगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है भाई, आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी सभी रील्स वगैरह आपको दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आपको जो भी रील्स वीडियो बूस्ट करना है आपको रील्स वाले सेक्शन में आ जाना है एंड यहाँ पर मैं ये वाले रील्स वीडियो बूस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको करना है भाई आपको यहाँ पर बूस्ट रील का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है एंड यहाँ पर आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको मतलब वो सब सेटिंग देखने को मिल जाएगी, विजिट योर प्रोफाइल ये सब मतलब ऑलरेडी सेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है भाई, आपको यहाँ पर देखिए बजट में आपको सेट कर देना है 167 रुपए। ठीक है, यानी कि वो कम से कम है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज में 1 कर देंगे, हम सिर्फ एक दिन के लिए ऐड चलाना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लो बजट यू मे नॉट गेट रिजल्ट, यानी कि लो बजट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लो बजट में ही मतलब इसको बूस्ट करना है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको सजेस्टेड ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको सजेस्टेड ऑडियंस पर इसको रहने देना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आओगे, विजिट योर प्रोफाइल ये सब कुछ चीजें सही है एंड यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर पेमेंट मेथड में हमारे 200 रुपए दिखा रहा है, साथ ही यहाँ पर टोटल खर्चा कितना हो रहा है 197 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली बूस्ट रील पे क्लिक करना है। जैसे आप बूस्ट रील पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये आपको क्या बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी लोडिंग चल रही है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 64 रुपए और मांग रहा है। ठीक है, अमाउंट टू एड 64.15, यानी कि यहाँ पर आपको 64 रुपए 15 पैसे, यानी कुल मिला के यहाँ पर हम मुझे 65 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि भाई आप लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, ऐसे में आपको रील्स वीडियो को भी बूस्ट करना है। तो आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उस वक्त यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली ओपन यूपीआई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन यूपीआई पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको रिफ्रेश पेज पे क्लिक कर देना है। कहीं जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे उसके बाद यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोन पे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप फोन पे से करना चाहते हो, भाई मैं फोन पे से करना चाहता हूँ, ये फोन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा एंड यहाँ पर आपको करने के भाई यहाँ पर 64 रुपए 15 पैसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप इसको पे कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जल्दी से इनको पे कर देता हूँ, मैंने पे कर दिए हैं।
एंड यहाँ पर अब देखते हैं कि यहाँ पर अभी रील्स वीडियो बूस्ट होती है या नहीं होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको इसी वाले पेज पर आ जाना है, डन कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ से भी अपने रील्स वीडियो को बूस्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी इंस्टाग्राम ऐप पर ही आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर ब्राउजर में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो ना इंस्टाग्राम ऐप पर ही आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर मैं किसी भी रील्स वीडियो को अब यहाँ पर दोबारा से बूस्ट करता हूँ, ठीक है। हम इस रील्स वीडियो पर क्लिक करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, बूस्ट रील पर क्लिक करते हैं। बूस्ट रील पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें मतलब वही सब चीज़ें करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग चल रही है, अभी कुछ सेकंड का वेट करते हैं। मोर प्रोफाइल विजिट, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक पर सेट करके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बजट को सेट करते हैं, एंड यहाँ पर सेट ड्यूरेशन पे क्लिक करके इसको एक दिन के लिए चलाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 264 रुपए दिखा रहा है, यानी कि 264 रुपए हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली बूस्ट रील पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट रील पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो नाइस वर्क, यानी कि यहाँ पर हमारा ऐड मतलब चल चुका है भाई। फाइनली यहाँ पर जो है ना हमारी रील वीडियो बूस्ट हो चुकी है। अब जितने भी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, आपको यही चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको इसको ओके कर देता हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है भाई। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको अगर मतलब नहीं मिल रहा भाई, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम इस तरह से आपको सर्च कर देना है, डॉट कॉम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, instagram.com। जैसे आप सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड लॉग इन करके यहाँ से रील्स वीडियो को बूस्ट करना है। एंड आपको जितने भी बोलता है 50, 54, 55 जितने भी वो पैसे बोलता है, ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको थोड़े बहुत भाई एक्स्ट्रा पैसे इंस्टाग्राम को पे करने पड़ेंगे, एंड आपकी 100% रील्स वीडियो बूस्ट हो जाएगी। तो भाई काफी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे, फाइनली मैंने इसका सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया है, इस तरह से आप अपने रील्स वीडियो को बूस्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सब क्वेश्चन में आ गया होगा। अगर आपका बिग डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।